रंग दे बसंती के बाद आपने दोबारा इस तरह से एक अतीत की बहुत खूबसूरत सी कहानी को वर्तमान के साथ जोड़ा है। ऐसा करते हुए एडिटिंग टेबल पे आपको खुद से लड़ाई करनी पड़ती है क्या? या आजकल जो आजकल का जो सिनेमा है और उसका जो ग्रामर है, आप मैं आपको थोड़ा विस्तार में बता दूं अगर दो मिनट हैं तो। जी, क्या है, कैमरा फोटोग्राफी से आया है, एक्टिंग थिएटर से आया है, राइटिंग तो राइटिंग से है, संगीत संगीत की दुनिया से है, क्लासिकल फोक एंड ऑल दैट। एक एडिटिंग ही ऐसा आर्ट फॉर्म है सिनेमा, जो सिर्फ सिनेमा की वजह से आया है। ये सिर्फ 100 साल पुराना है और ये दिस इज़ द मोस्ट कहते हैं ना द बेबी आर्ट फॉर्म इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट, इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। हम सब मिलके बनाते हैं, इज़ अ कोलैबोरेटिव आर्ट। तो एडिटिंग अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आजकल सब डिजिटल हो गया है तो हम स्टोरी को नॉन लीनियर भी बोल पा रहे हैं। मतलब पहले बिगनिंग से शुरू करते थे, 1, 2, 3, 4 से 10 तक जाते थे, अब 2 से 12, 12 से ये। एट द सेम टाइम हम आपके ख्यालों में भी घुस सकते हैं कि बाजे वक्त आप ट्रेन में बैठी हैं बट आपको याद अपने बचपन की आ रही है, तो वी कैन आगे पीछे वो दोनों स्टोरियाँ चला सकते हैं। तो बहुत सिनेमा के जगत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। ये सिर्फ 100 साल पुराना आर्ट फॉर्म है, आगे चलेंगे तो अभी वर्चुअल और ये सब ऑगमेंटेड रियलिटी और ये सब आने वाला है। एडिटिंग तो फिर पीछे रह जाएगी। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि दो कहानियाँ और बहुत खूबसूरत कहानियाँ, उन्हें जोड़ते वक्त आपको बहुत खूबसूरत से जो दृश्य आपने या गुलजार साहब ने लिखे होंगे वो काटने पड़ते होंगे, तो उस वक्त आपका अपने से ही एक वो होता होगा, द्वंद्व होता है कि ये चीज़ क्या चीज़ रखूं और क्या चीज़ छोड़ूं, खासतौर पे जब गुलजार जी हो तो। या मतलब इतनी प्यारी स्क्रिप्ट हो, फिर उसको आप सब लोग मेहनत से काम करते हैं और उसको शूटिंग करते हैं और बहुत मटेरियल होता है हमारे पास, और बट एंड में जो कहते हैं कि फिल्म टेबल पे बनती है, एक फिल्म का स्क्रीन प्ले कभी ख़त्म नहीं होता। एक लिखा जाता है, एक शूट किया जाता है, फिर एक्टर्स उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं, डायरेक्टर अपनी तरह से, म्यूज़िक डायरेक्टर्स अपनी तरह से, कैमरामैन, फिर एडिटर के पास जब वो पहुँचती है बात तो वो अपनी तरीके से इंटरप्रेट करती हैं उन्हें, और फिर वो उस कहानी को वैसे बताते हैं। तो स्क्रीन प्ले बार बार लिखा जाता है और जब ऑडियंस देखती है, हर एक ऑडियंस का मेंबर उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। मेरा सवाल है कि जैसे आपने कहा कि मिर्ज़ा और साहिबा की जो कहानी है पहले की और आपने आज उनको रिलेट करने की कोशिश की, हर्षवर्धन को आपने ऐसे नहीं सोचा कि उनके फिजिक पे थोड़ा वर्क कर दिया जाए, मतलब यू नो विद हैविंग सम मसल्स आल्सो, दैट थॉट हैड कम इन योर माइंड, कुड यू टॉक, एंड हर्ष आल्सो, हर्ष से हम पूछना चाहेंगे कि वो अपने डैड की तरह ही यू नो लाइक। ओके, द कैरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, आई थिंक वी गॉट टू यूज टू दिस सिक्स पैक्स दिस इज नंबर वन, नो नो ये भेड़ चाल जो है। नंबर टू, मिर्ज़ियाज़ कैरेक्टर वॉज नॉट दैट ऑफ अ बॉक्सर, नीदर। तो हर्ष हैज़ गिवन मी 18 months, नाउ हियर मी आउट, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेप, 18 months बिफोर द शूटिंग, डोंट गेट मी रॉन्ग, इन दैट ही इज़ वर्कड ऑन द रोल ऑफ फर्स्ट द कंटेम्प्ररी कैरेक्टर विच इज़ मुनीश इन द फिल्म। सो फॉर देम इन द फर्स्ट फिल्म दे आर एक्चुअली डूइंग डबल रोल्स इन द फर्स्ट डेब्यू फिल्म, and that character required a certain physicality, correct? Then after finishing that we took a 7-month break because they had to prepare in a different way for another film within a film for another character to be in a different zone altogether. It's not easy, and in your first film for 6 months they prepared again. There is something called horse riding and mounted archery. If you study that, when you are a horse rider you got a very lean and athletic look about you, you don't have a six pack look about you and all that. So I'm sure when we make a movie about a boxer we'll satisfy you. Jab aapne pehli baar ye script suni, aapka reaction kya tha? Well, first of all we actually met in 2008 I think, and we kept meeting every couple of months after that, and
at the time Rakesh sir had mentioned that he was working on the story of Mirza Sahiba, and Gulzar sahab was writing the screenplay, and I was actually still in college at that time. I was what, 18-19 years old. I'm 25 now, so this is a conversation that's been going on for a very long time. And then I went back to college after the first interaction with Rakesh sir, and I actually did what I could, try to find whatever I could about the story on the internet. And you know, obviously it's a romantic tragedy, and it's very different from the other romantic tragedies, because it's the two lovers themselves that make decisions that eventually determine their destiny. You know, so it was very complex, and it was very brief and very vague on social media. So as kind of time went on, we kept reconnecting, and then eventually, I think in June 2013, after talking for like 2 or 3 years, we finally decided that it was the right time to kind of embark on this journey. And until then, I hadn't really heard anything from the script. So then finally, I sat with Mehra, and then he narrated about 10 or 15 pages, because the script was still a work in progress at that time. And just the beauty that which it was kind of written, because you know, it's very rare these days to find scripts that are very poetic and very romantic. And I think for me, you know, I read it when I was 22, and I was reading so many other romantic stories and scripts, but I think that this is the most contemporary romantic film ever, you know, I mean, at least from what I've read the interpretation of it. You know, so I was completely blown away. I it's one of those things that you hear it and you're like, I have to, anything, I'll give anything to be a part of this film, you know. I mean, it's romantic, it's complex, you get to play two characters, it's poetic, it's visual, it's musical. So it's like a fever dream, you know. So it's a dream. Kitna difficult tha aapke liye is character ko nibhana? To actually do kirdaar hai, ek Adil ka aur ek Mirza ka. To first we worked on Adil a lot. Actually we worked on both simultaneously, when I heard the story, I knew that, you know, the whole film depends on my ability as a rider and an archer. Because Mirza is the best, you know, and I'd never been on a horse. So it sounds very easy, but actually when you start doing it, you know, and then you know the script, so you know how sir is going to shoot it. It's not like other films where, you know, you cut to your close-up and then you cut to the stunt double. It's not one of those films. You know, I knew the level that I had to kind of reach to. And I moved away to Delhi for 6 months first, because there, you know, Bombay doesn't have too many places where you can learn that skill. So I learned the basics there for 6 months, and I had a lot of falls. Then I came back, then we continued, and you know, I mean, it's a 20-minute answer. I can't really sum it up for you, but you know, it was basically very difficult. Hi, Sayami. Hi, namaste. Namaste. You both looking very stunning. Thank you so much. My question is for you and Harshvardhan both. As we just heard, Anil ji said ki Kapoor Parivar has given a greatest contribution to the films, and so is you. Thank you. Your family is also very much connected and given a lot of contribution industry. आप दोनों कितना प्रेशर महसूस करते हैं इस वक्त फिल्म रिलीज पर है और बहुत ज़्यादा लोग आपसे उम्मीदें रखे हुए हैं? मैम, प्रेशर तो मतलब आई होप एटलीस्ट आई स्पीक फॉर माई सेल्फ इफ आई काइंड ऑफ हैव 5% ऑफ द जीन्स दैट माई ग्रैंड मदर और माई आंट हैज़ तो ऐसे लगेगा कि थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है बट प्रेशर नहीं है क्योंकि दोनों हर्ष ने और मैंने वी हैव गिवन इट आवर बेस्ट एंड व्हेन वी हैव गाइडेंस लाइक राकेश सर गुलजार साहब इट मेक्स लाइफ मच इजियर सो वी हैव गिवन इट आवर बेस्ट एंड वी होप पीपल लाइक इट यू नो आई थिंक व्हेन यू काइंड ऑफ बिलीव इन समथिंग सो मच एंड यू वर्क फॉर सो लॉन्ग विद सो मच ऑनेस्टी एंड यू नो यू बेसिकली लीव बिहाइंड योर लाइफ एंड यू सैक्रिफाइस सो मच इवेंचुअली व्हेन यू आर परफॉर्मिंग with that honesty in your heart and your mind, it, you know, you can, the audience can feel it in when they watch it, and I you know, that's all you can really do. So I don't think it's very intelligent to feel creative pressure.
in terms of commercial expectations, because you're somebody's son and all of that stuff, I feel there's nothing I can do about that. So whatever has to happen will happen. Guljar sahab, aapne dhunu par bahut behtareen gaane likhe hain, bahut sare aise nagme likhe hain jo pehle likhe gaye baad mein dhun banayi gayi. Isme Mirziya mein aapne kya anubhav rahe, aapne kis tarah se aapki rachna prakriya rahi hai? Mirziya mein kahani ne khud hi geet likhwa liye mujhse. जो कहानी थी और जो किरदार थे, जो कैरेक्टर थे, जब उनको बयान कर रहे थे तो उसमें एक फोकलोर की फील थी, एक फोकलोर का अंदाज था. तो वो उस कहानी के साथ अपने आप जब उसकी ज़बान बन जाती है गीतों की भी, जो कहानी की ज़बान हो. और एक तो ये कि स्क्रिप्ट के साथ बहुत कुछ लिखा गया, और मेरा ख्याल है पहली बार ये मैंने इतना ज़्यादा बोझ उठा के इतने बड़ी उलझन में शंकर को डाल दिया था कि अब इसके ऊपर आप धुन बनाइए, मैं हमेशा आपकी धुन पर लिखता रहा हूँ, अब आप इसका देखें क्या करते हैं. और उनका ये है कि मैं जैसे उस वक्त बात करते हुए भी मैंने कहा कि ये भरे हुए हैं पूरे मेलोडी से, इनको ज़रा सा हिला दो तो मेलोडी निकलने लगती है और बाहर आने लगती है. और बस वो उसके बाद मैं ओक सामने रख लेता हूँ जमा करने के लिए, और कहीं कहीं उन्हें ये कि अल्फाज दिए, उन्होंने धुन भी बना ली, वहीं के वहीं बना ली और उसके आगे की धुन बना ली, उससे अंतरे बना लिए. तो फिर देन यू हैव टू फॉलो इट, इट्स अ टू वे जर्नी. और वो अगर आपने थोड़ा रियाज किया हो पिछले सालों में तो फिर आप शंकर के साथ काम कर सकते हैं. गुलजार साहब से आप काम कर चुके हैं, पहले भी कर किया आपने. नित नए गुलजार, क्या अनुभव रहा आपका काम करने का? मैं ये कहूँगा कि वो हमेशा ही नया गुलजार हैं हमारे लिए. एवरी डे इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, एवरी डे इज़ अ न्यू सरप्राइज, एंड कुछ ना कुछ हम लोग रोज़ सीखते हैं इनसे. तो इट्स बीन अ, मैं क्या बताऊँ कि ऑल आई कैन से इज़ हम लोग सब बहुत अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि वी आर इन एन इरा वेयर वी आर एबल टू वर्क विद अ मास्टर लाइक गुलजार साहब. आपकी आवाज़ सुनकर सच कहूँ आंसू आ गए. आपको आज के इस परफॉर्मेंस के बाद अपनी ऑडियंस से, जो आपके फैंस हैं, अपने मीडिया के भाई, आपके मैसेज लेके जाएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ राकेश मेहरा जी का कि जो ये बिलीव रखते हैं, प्यार करते हैं, आवाज़ को पसंद करते हैं. तो काफ़ी सालों से, 5-6 सालों से बहुत ही आराम से बैठा हुआ था, अपने शोज़ कर रहा था, म्यूज़िक काम करता हूँ, सालों साल बिज़ी हैं. पर फिल्मों में आप खुद ही जानते हैं कोई गाना नहीं आ रहा था, ना ही मैं गा पा रहा था, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा था उससे मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि किस तरीके का ये दौर शुरू हो गया है, कैसे गाने शुरू हो गए हैं. तो जब मुझे बुलाया गया मिर्ज़िया के लिए, और मैं मुंबई आया, और मुंबई आकर स्टूडियो में शंकर एहसान भाई साहब, गुलजार साहब साहब बैठे हुए थे, और पहुंचा जी हाँ जी मुझे क्या गाना है. तो मुझे शंकर जी ने कहा कि आपने स्टोरी को, ये एक हो रही है और आपने स्टोरी लाहौरों की बस्ती है, इस तरह आपने बताना है स्टोरी को. तो मैं 15-20 मिनट बहुत ही सोच में पड़ गया कि मैं किस तरह बोलूं, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो गाने गाने के लिए तो है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जैसे ओम पुरी साहब, गुलजार साहब की आवाज़ है, लगता है कि फरिश्ते बोल रहे हैं, बहुत कमाल. तो मुझे लगा कि मैं नहीं बोल पाऊँगा. और फिर मैं सोचा कि अब थोड़ी देर और बिताया, तो इन्होंने कहा कि अच्छा ये आप फिर साईं जहूर जी की बहुत बहुत अच्छी आवाज़ जो शुरुआत वो करते हैं मिर्ज़िया में, बहुत बहुत सूफ़ी फ़कीर हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका सूफ़ी में, तो उनकी आवाज़ सुनाई. फिर कहा कि आसमें आप ये दो लाइनें ऐसे ऐसे आप गा दीजिए, वादियाँ दूदियाँ कोहरे की. तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी. तब मैंने रिदम वगैरह बिल्कुल नहीं सुनी थी कि कैसी रिदम में क्या है, और वो मैंने गाना गाया. फिर जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मुझे लगा मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि मिर्ज़िया अगर हो तो वो कैसा हो, कैसी उसकी पहचान कैसी होनी चाहिए, किस तरह उसे बुलाया जा सकता है. तो मैंने फिर गुजारिश की गुलजार साहब को, राकेश जी को, शंकर जी को कि मैं एक लाइन मिर्ज़ा साहब मगर गाना चाहता हूं, तो अगर आप बोलें तो
तो बहुत बड़ी दरिया दिली है क्योंकि इतने बड़े कलाकार हैं, उनके सामने कुछ कहना बहुत छोटी बात हो जाती है। और निका जी ठीक है आप कीजिए, तब रब जानता है कि मुझे लगता है कि ये हर्षवर्धन जी, श्यामी जी, इनकी तकदीरों की वजह से ये सारे हम लोग जुड़े हैं, और इनकी तकदीरों की वजह से एक इतना बड़ा काम है। क्योंकि मिर्ज़ा साहिबा जी बहुत बहुत मिर्ज़ा साहिबा बहुत बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत हम भी बचपन से सुनते आए हैं यहाँ पे आप सब ने, लेकिन इसे बोलना, इसे कहना और इसे गाना अगर रब की मेहर हो तभी हो सकता है। कि ये बहुत बड़े और सच्चे आशिक हुए हैं, हीर रांझा, सोनी माहिवाल, तो इनके ऊपर गाना, तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप गाइए। तो फिर एक ही बार में माइक के सामने मैं खड़ा हुआ और जो मेरे दिल से आवाज आई बिना सोचे समझे, ओ मिर्ज़ा उस चीज को चार चांद लगा दिए शंकर एहसान जी की टीम ने, गुलजार साहब के बोल हैं और राकेश जी के। तो मैंने तो बहुत एक वर्ष एक ही लाइन छोटी सी गाने की कोशिश की और रब ने गवाई। फिर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से आज जो म्यूज़िक इंडस्ट्री का जो एक रुख है, दौर है म्यूज़िक इंडस्ट्री का, म्यूज़िक है, वो मिर्ज़ा की वजह से बिल्कुल चेंज हो गया और बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत प्योर इंडियन, ये जो गाना आप सुनेंगे ये प्योर इंडियन म्यूजिक है। ये जो ये वादियां दूदियां कोहरे की, ये जो गाना पूरा चल रहा है इसमें कहीं भी आपको वेस्टर्न या कहीं से यहाँ से म्यूजिक चुराया वहाँ से चुराया बिल्कुल नहीं, एक इंडिया की रूह है, प्योर इंडिया का म्यूजिक है और पहला म्यूजिक है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका और मीडिया का भी और जितने भी फैंस हैं जिन्होंने सर आँखों पर बैठा लिया, और हम चाहेंगे कि इसी तरह आप इन दोनों स्टारों को, हमें, हम सबको ब्लेसिंग दीजिए कि और इसी तरह अच्छे अच्छे काम करते रहें। शुक्रिया, थैंक यू। माय क्वेश्चन टू यू इज, योर डैड जस्ट सेड दैट यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिम, सो हाउ मच यू अग्री ऑन दैट, इज इट ट्रू दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम हिम, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आई डोंट थिंक आई एम द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड दैट, यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव एन ओपिनियन अबाउट योरसेल्फ, बट आई थिंक the only way you can define, I mean, at least in my situation, is define my own personality is by the characters I decide to take up, or actually I get lucky enough to play, and that is something that will happen over time. So, you know, I think that's a question that will be answered over time, you know, if as and when people get to see my films and stuff like that. You know, stars like Aamir Khan, Amitabh Bachchan, Salman Khan have tweeted about your film, the trailer of your film. So how do you feel when stars speak about the film, and how much do you think that helps the film in building up the hype around the film, both of you? I think at the end of the day, it just comes down to how honest and good the film is, you know, to be honest. And there's so many incredible people working on this film. I mean, it's only my first film, I'm an unknown, but there are so many incredible people working on this film. And I think it's because of that, you know. So we're extremely thankful and that they've liked whatever they've seen so far from the film. And then I hope they like the film when they see it. But it's a huge blessing, and it definitely does help, you know, and very grateful for it. जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक लोक कथा, उसमें लोक संगीत और गीत सब कुछ नज़र आ रहा है, एक ऑब्जर्वर के तौर पे कैसे देख रहे हैं कि एक फोक जो है वो अब ग्लोबल हो चला है और बहुत ही रीच उसकी बढ़ रही है, ये जो तब्दीली आई है संगीत में या गीतों में, उसे आप एक ऑब्जर्वर के तौर पे कैसे देखते हैं? मैं समझा नहीं कि उसमें तब्दीली क्या आई। जो आजकल फोक ग्लोबल हो चला है उसे आप कैसे देख रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहा है फोक गीत संगीत? नहीं देखिए, फोक की तो एक ट्रेडिशन है, वो किसी का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फोक की साउंड्स और फोक का स्टाइल और फोक जिस तरह से स्पॉन्टेनियस होता है, उसमें खूबी यही है कि आप हर दफ़ा अपने दौर का, अपने वक्त का नमक लगाकर उसे दोबारा पेश करते हैं, और यही काम
शंकर जी ने और शंकर एहसान लॉय तीनों ने किया है कि उसकी साउंड्स मॉडर्न हैं, उसके साउंड्स आज के हैं, उनका स्टाइल भी आज का है, उसके बावजूद आपके दौर का लगता है, बावजूद ये कि कहाँ से एको करता हुआ वो फोक आपके पास आ रहा है। फोक की खूबसूरती ये भाटियाली, आप जहाँ जहाँ गाते रहेंगे, जिस दरिया में भी गाते रहेंगे, साउथ में गाएंगे तब भी वही होगा, बंगाल में गाएंगे तब भी हो, लेकिन दोनों जगहों का की अपनी हवा, उसकी हवा का नाम होगा, उसकी हवा का जो जायका है वो उसमें शामिल हो जाता है, और यही खूबी है फोक की कि वो हर जगह अपने आप को लोगों के साथ अडेप्ट कर लेता है। राकेश जी, अगला सवाल आपसे है कि लद्दाख से एक लगाव आपका नज़र आ रहा है एक बार फिर, तो क्या लद्दाख में शूटिंग करते वक्त भी कुछ कहानियाँ या कुछ बातें नज़र आईं? क्या उस जगह में कोई खासियत आपको नज़र आ रही है जो कहानी कहने में और भी आने वाले वक्त में नज़र आएगा? मैं खासकर लद्दाख के बारे में मैं आपसे 2-4 महीने तक बात कर सकता हूँ और तब बात शुरू होगी। तो मिर्ज़ी और लद्दाख का क्या मेल है? तो जब जैसे हम बात करते ही आए हैं कि लोक कथा है, फोक टेल है, इट्स अ लेजेंड ऑफ मिर्ज़ा साहिबा विच रिवर्बरेट्स एंड एकोज एंड लैंड्स इन टुडेज़ टाइम। सो द लेजेंड, when you tell the story, a movie is a story told in pictures, correct? So I wanted to recreate the folklore of Mirza Sahiba in my imagination, not in a period, not in the past, present or future. It is timeless. The word which I caught him in from his script and what I passed on from him to them was, it's eternal. Ladakh has always given me that feeling, that is eternal, that nothing has touched it. And always, from day one, I was 25 years ago, I first went there for my honeymoon when I discovered it. And since then I've gone there for 25 years, every year, sometime twice a year, but that's beside the point. It's still, I haven't even explored 10% of that land. And that's why, because the soul of Mirza and the soul of Saiba was somewhere I found can be in such a pure place, that is Ladakh. In this movie, there's a lot of folk songs and you have blended with the modern music. How could you do this and like, you know, something very different? Gulzar sir also told that you have blended with the modern music. Well, you know, just like how the script is, just like how the characters of the film are, just like there are so dimensions, you know, there's so many dimensions in the film, you know, it's dynamic. There are so many emotions in the film. Similarly, you know, our music could not have been just, you know, in one layer. If you hear the title song again and again and again, you'll be discovering new layers every time you see. Aray, you'll see, oh, this voice. Oh, that's a new voice. Yeah, this rhythm is coming in here. Suddenly you'll see Nooran sisters coming here. So we wanted to give that a sense of, you know, color. You know, if you hear the title song, for example, it's celebration of Mirza. You know, there are so many flavors, there are textures. If you hear them in isolation, you probably might feel that this voice may not go with this voice, or this genre may not go with this genre. But, you know, with whatever, like, you would like to expand on that, we just brought these things together in an interesting way, which is musically and aesthetically of some value. I'll just add to that, I requested Rohini for a very long time in the last two decades exactly, it's happened to us. I've grown up in a radio generation where we used to listen to the songs. Song would go through my ears, enter my heart, stay there forever. Now the generation is looking at the song. So last song I requested if we can, everybody can hear it, because the sensory organ which God has created for listening is ear, I think. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आप वो कौन कौन से एक्टर हैं जिनकी आप फिल्में देखते हैं, जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, जिनके आप बहुत बड़े फ़ैन हैं?
I make it a point to watch all films. I think there's so many amazing actors, and I like certain films from, you know, of certain actors. Aamir is a very big influence. I think when, you know, at least my generation was growing up in 2001, Dil Chahta Hai came, then Lagaan came, then Rang De Basanti came, and those were defining films for us when we were growing up. You know, and also at that time, you know, actors were doing so many films at one time, you know, and he decided to work more in isolation and really focus on one thing at a time. And I've been lucky enough, because of the way Mehra sir works, to have that experience on Mirzia. And I want to keep having the opportunity to do that with every film if it requires it. But to answer your question, I think Aamir for his choices and determination. I think Ranbir for his ability to be spontaneous and his brilliance. Those are the two that come to my mind. हर्षवर्धन जी, आपको नहीं लगता कि आपका कंपटीशन खुद आपके डैडी से होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से वो डे बाय डे परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं, वो बूढ़े नहीं हो रहे, हम सभी देख रहे हैं। तालियां, अभी स्टेज पे देखा हम, और आप और आपके डैडी भाई भाई लग रहे थे, तो आपको नहीं लगता? All my girlfriends also say the same thing. But no, I think जब आप, you know, hopefully जब आप ये फिल्म देखोगे तो पहले 10 मिनट में आप ये सब भूल जाओगे। सर, विथ मिर्जिया यू कमिंग एज अ स्क्रीन प्ले राइटर आफ्टर आई थिंक ऑलमोस्ट 17 इयर्स, सो सर, व्हाट टुक यू सो मच टाइम टू राइट फॉर फिल्म्स, आई मीन इन दैट वे? मैं, मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिली, किसी ने नौकरी दी नहीं उसे, टिल आई मेट राकेश और शुक्रे के, इन्होंने रख लिया मुझे, और नाउ आई डोंट वांट टू लीव हिज टीम, मैंने तो इनसे कहा कि मुझे अडॉप्ट कर लीजिए अब आप। गुलजार साहब, जो मैं 35 साल से आपके साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ, और आप प्लीज़ इन पूरे ऑडियंस को और मीडिया को बताइए कि मैं कितने साल से कह रहा हूँ कि मुझे एक फिल्म में ले लीजिए। कितने साल से बोल रहा हूँ आपको मैं, ऑलमोस्ट 34 साल पहले मैं आपके घर आया था, वो 7 दिन बन रही थी, मैं गुलजार साहब के पास गया था और मैंने कहा कि मेरे साथ एक फिल्म बनाई, आज तक नहीं बनाई उन्होंने, इसका जवाब चाहिए मुझे आज, जरूर दूंगा। अच्छा, चलो, थैंक यू वेरी मच, एटलीस्ट आपने मेरे बेटे के लिए बना दी, थैंक यू। अच्छा देखिए, कई बार कुछ जवाबदेही सवाल, कुछ पाप, कुछ प्रायश्चित कई जनरेशन तक चलते हैं, है ना, और गवाह आपके सामने बैठे हैं। हर्ष से पूछे शाम को, मैंने यही बात इनसे कही थी कि वो मुझे, मेरी पिटाई करने वाले हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं मेरे साथ काम किया जब मेरे बेटे के साथ कर रहे हो। मैंने शाम को आपसे जिक्र किया तो मैं कहा अनिल आएंगे तो पिटाई करेंगे, अरे उन्होंने कर दी, ये देख लीजिए सबके सामने। लेकिन सिर्फ यही है कि मैं आप हर्ष को भी यही बता रहा था, मैं कहा सम हाउ I kept missing him, कहीं ना कहीं, अब I miss him even now when I don't see him, that missing is separate, लेकिन casting में I kept on missing him, because I was never a producer, and नौकरी करता था as a director also, तो दूसरों के लिए बनाता था, so somewhere I kept, बल्कि वो ब्रिम तक पहुँच के भी वो miss कर गया मैं, I wish you had employed me once. Rakesh ji, I just want to add to this, it's a very very serious topic, aur mere se kai pucha jata hai ye bhi ki aapne Sonam ke sath do filme ki, ab Harsh ke sath kar li, aap Anil Kapoor ke sath kab karenge, to jaise hi wo 18 saal ke ho jaye ek film bana lenge, I don't work with minors. He has to be an adult first, then I'll make a movie. साहिबा जो तीर तोड़ देती है उसका जवाब आपने कैसे दिया, आई डोंट नो इन द फिल्म, और दूसरी बात है कि वो जवाब मिलने के बाद किसे कास्ट करना, हाउ वाज दैट जर्नी एक्चुअली, नो मतलब टू टेक अप, फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली अमेजिंग, बट देन यू हैड इट इन माइंड कि यू वांटेड अ न्यू कमर, और हर्ष आपके ध्यान में था पहले, है वो जर्नी के बारे में कुछ बताओगे सर? यू नो, हम लोग सोचते हैं
कई बार सोचते हैं, और ये मेरी पांचवी फिल्म है, ज़्यादा नहीं बनाई मैंने 15 साल में, कई बार सोचते हैं दिस वर्ड कॉल्ड आई डिड दिस, आई रोड दिस, आई डायरेक्टेड इट, आई कास्टेड हिम, आई थॉट ऑफ दैट, दिस इज माई ट्यून, ऑल दैट. Not really. I feel that this is somewhere there is destiny, and somewhere the right thing has to happen if you trust something which is larger than you. So I always trust that, and that might sound like philosophy to you, but on a practical, on a logistical way, I trust my instincts a lot. And the small voice inside you is actually the loudest. Normally we let it drown in this whole confusion around us, a lot of noise. My instincts took me to his door. He lives just 30 meters away from him, but it took me 35 years. My instincts took me to both of them, and destiny brought us together. It was instincts, nothing else. I can give you 101 reasons. I won't be able to sleep tonight by giving those reasons, because I'll feel I haven't told you enough. There is something more. We just didn't make a film together. We spent the last 3 years together. Our life is today less by 3 years since we first met. So there's a lot more than that. I wish I'll be able to explain it to you. Gulzar better someday, one of these days in my office, over coffee, over a drink, whatever. Has tragedies influence the greatest of love stories, whether it is Romeo and so Juliet. When it's a happy ending, it's not so much fun for our friend. Yeah. सिर्फ यही है कि ये सवाल कई तरह से पूछा जाता है, जो मुझसे भी पूछे गए कि tragedies क्यों हैं, सारी tragic क्यों हैं वो जो love stories हैं, और या वही क्यों बनाई जाती हैं जो tragedies. उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो उदासी बहुत देर तक सुलगती है, खुशी उतनी देर तक सुलगती नहीं है. खुशी फुलझड़ी की तरह जलती है, खुशी फुलझड़ी की तरह जलती है और ख़त्म भी हो जाती है, उसकी रौनक भी उतनी ही देर रहती है. लेकिन अगरबत्ती अगर जलाएं तो उसकी खुशबू देखिए कब तक रहती है, और सुलगती रहेगी, वो सुलगती रहेगी. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ हैप्पी एंडिंग एंड अ सैड एंडिंग. और क्या बात है. ये कहानी का जवाब का एक रुख था, मेरा ख्याल है दूसरे रुख के पूछ लीजिए, जवाब देने की ज़रूरत तो नहीं मैं समझता. और वरना ये कि जहाँ हैप्पी एंडिंग में ये भी हुआ कि और उसके बाद आप कहानी में लिखेंगे कि अच्छा फिर उनके 3 बच्चे हुए, फिर क्या करेंगे आप, है ना. लैला मजनू की कहानी ले लीजिए क्या, और फिर 3 बच्चे हुए और उसमें से एक तो ऊँटों का व्यापार करने लगे, एक भाग गया घर से, तो ये लॉस नहीं इंटायर देंगे ना. वो लैला मजनू की कहानी कहिए ना आगे, उसका एंड बदल के देखिए, तो यही होगा. और ये तीसरा भी दुकान पर बैठता है. तो वर्क आउट अ स्टोरी एंड यू विल नो इट फॉर योरसेल्फ. वो बस गुलजार जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम सभी लिखने पढ़ने से जुड़े हुए लोग हैं, और हम प्राउडली बोल सकते हैं कि हम उस देश में लिखते हैं जहाँ गुलजार साहब की लिखनी है. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो आप हम लोगों को गाइड कर सके, कि आपने आपकी जो रचनाएं हैं वो बहुत बहुत ही सादगी में बड़ी बातें बोल जाती हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भाषा से ज़्यादा भाव की ज़रूरत होती है लिखने के लिए? देखिए, इसमें एक सवाल के अंदर एक सवाल ये है कि बड़ी बात है और सादा ज़बान, दो सवाल में दो हिस्से हैं कि बड़ी सादा ज़बान और बड़ी बात. सादा ज़बान सिर्फ मैं ये डिफेंड कर सकता हूँ खुद को और कह सकता हूँ कि जो बोलचाल की ज़बान है, जिस ज़बान में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोशिश होती है कि मैं उसी ज़बान में कहूँ जो आप तक पहुँच जाए. और मुझे कोई थ्योरम नहीं बनानी है, कोई स्कॉलरली उसके कि कोई PhD करना है तो मैं बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करूं. कोशिश यह है कि जिस ज़बान में फिल्म लिखी जाती, जिस ज़बान में किरदार बोलते हैं, कैरेक्टर्स बोलते हैं, उसी ज़बान में बात की जाए, जैसे इस फिल्म के भी है. और ये कि जो ज़बान कम्युनिकेट करती है वो सादा से सादा ज़बान में, वो
वो ज़बान है जो हम आपस में बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ज़बान वही रहती है ना। बड़ी बात जो है वो बड़ी बात आपका अंदाज़ा है, मैं बड़ी सोच के नहीं लिखता उसे कि ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, जो बात एक्सपीरियंस है या जो जिस एक्सपीरियंस से गुजरता हूँ उसे बड़ी ईमानदारी के साथ वही कहने की कोशिश करता हूँ जो महसूस करता हूँ। अब वो बड़ी है या देर तक रहने वाली है ये तो वक्त बताता है, तो वक्त के साथ ही, वक्त इज़ द बेस्ट टेस्ट। तो बस उतनी सी बात है, वो बड़ी है तो शायद आपको बहुत बड़ी लगी हो, अब किसी को बिल्कुल अच्छी ना लगी हो, ये भी होता है। क्या बात है, क्या बात है।